हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 7 इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ सर्कुलर टॉप, कॉनिकल टॉप। एक टेंट है सिलेंड्रिकल शेप का जो ऊपर से कोन से सरमाउंटेड है, लाइक दिस, और नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट। उसके बाद उन्होंने बोला इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। हाइट कितनी दी है? 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर। जो डायमीटर दिया है वो दिया है 4 मीटर और जो हाइट दी है वो दी है 2.1 मीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर, डायमीटर इज 4 मीटर। नेक्स्ट पार्ट इज स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। जो स्लैंट हाइट दी है कोन की वो दी है 2.8 मीटर। कोन का भी डायमीटर कितना होएगा? 4, क्योंकि रेडियस जैसा ही है, बिल्कुल सिलेंडर का रेडियस इतना ही है, 4 मीटर। लेट सॉल्व दिस। उन्होंने हमें बोला है कि इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, टेंट बनाने के लिए कितना सरफेस एरिया आएगा। और द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। हमें ये इग्नोर करना है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर भी कैनवास का यूज हो रहा है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्लांट हाइट ऑफ कोन दिया है 2.8 मीटर, रेडियस ऑफ कोन आ जाएगा 4 है डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 4/2, इट्स 2 मीटर। ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या जाएगा 2 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 2.1। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 2.1 मीटर, रेडियस आ गया 2 मीटर। सरफेस एरिया निकालेंगे इसका, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। वैल्यू पुट कीजिए 2π, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे हम। आर इज 2, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.1 प्लस पाई, आर की वैल्यू 2 एंड द लेंथ स्लांट हाइट इज 2.8। इसमें भी 2π है, इसमें भी 2π हम कॉमन निकाल रहे हैं, दोनों में से हमने 2π कॉमन निकाला। यहाँ बचा 2.1 इंटू 2 जो कि होएगा 4.2 प्लस यहाँ बचा 2.8, तो 2π ये हो गया, कितना हो गया ये इसे देखिए, 4.2 प्लस 8, 5 प्लस 2 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 पाई। पाई की वैल्यू डालेंगे तो 14 इंटू 22 बाय 7, 7 टू ज़ा 14, 22 टू ज़ा 44 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना आ गया आपका? 44 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज, कितने रुपीज दिए थे? 500। और हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए निकालेंगे तो 500 इंटू 44 रुपीज 22,000। कॉस्ट कितनी आ गई? रुपीज 22,000 एंड द सरफेस एरिया इज 44 मीटर स्क्वायर। थैंक यू गाइस, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।